हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ओके होंगे। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका जो बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर सिक्स है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। इसमें आपका प्रैक्टिकम वर्क होता है, तो उस प्रैक्टिकम वर्क के विषय में हम लोग आज बात करेंगे। और इसमें मैंने टॉपिक जो लिया है वो आपका लिया है महिला समाख्या, यानी रूढ़िवादिता क्या होती है, ठीक है। और उसमें उसको रोकने, महिला सशक्तिकरण के लिए मतलब कौन कौन से आयोग बनाए गए हैं, इन सारे विषय पे हम लोग बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जेंडर के बारे में दिया गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जेंडर का अर्थ है, जेंडर की परिभाषाएं किसने दी हैं, उसकी डेफिनेशंस हैं। यहाँ से महिला शिक्षा और ऐतिहासिक महिला शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब कि पहले कैसे महिलाओं की शिक्षा होती थी, ये सारी बातें आपको अपने इस प्रोजेक्ट में लिखनी है, ठीक है। प्राचीन युग में क्या था, ये देखिए सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, उषा गार्गी, आत्रेयी, शकुंतला, उर्वशी, पाला, इनके विषय में आप सब पहले से ही जानते हैं, ठीक है। और इनको आपको पढ़ाया भी गया है सबको क्लास में। हमें समाज में ही नहीं बल्कि परिवार के भीतर भी महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव को रोकना चाहिए, ऐसी कोटेशन आपको लिखेंगे। उसके बाद में देखिए आधुनिक युग में क्या स्थिति है, जैसे नामांकन में वृद्धि, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, ऐसे आपको लिखना है। राष्ट्रीय समिति का गठन, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, यहाँ से आप देख रहे हैं, ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए आप बदलते परिवेश में महिलाओं की स्थिति, मतलब क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है महिलाओं की। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, महिलाओं की स्थिति ही देश की प्रगति एवं स्वच्छ स्वरूप को निश्चित करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप आगे बालिका शिक्षा की समस्याएं, यहाँ से बालिका शिक्षा स्टार्ट हो गई, सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी आपकी। पश्चात पूर्ण धारणा, मतलब कि लड़का लड़की में भेदभाव, निर्धनता, प्रशासन, अध्यापिकाओं की कमी, ये आप सभी पढ़ चुके हैं वैसे क्लास में। अपव्यय की समस्या, शोध की कमी, महिला शिक्षा के विकास हेतु तो किए जा रहे प्रयास, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो देख लीजिए। जैसे महिला समाख्या मेन टॉपिक आपका यही है, इसके विषय में आपको ध्यान से इसे पढ़ के और आपको इसको लिखना है, ठीक है। जैसे लिखा है जब नारी शिक्षित होती है तो वो दो परिवार शिक्षित होते हैं, ठीक है। जैसे मैं इससे ये जोड़ूंगा कि इस तरीके आप सब बहुत सारी बातें लिखेंगे। अनौपचारिक शिक्षा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, महिला संघ, छोटे छोटे संघ बना के महिलाएं अपने विचार प्रस्तुत करती हैं, ठीक है, एक दूसरे की बात समझती हैं और जो समस्याएं होती हैं उनको समाधान ढूंढने में भी हेल्प करती हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP, महिला एवं शिक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मतलब ये है कि कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाया गया, क्या क्या कदम उठाए गए थे, भविष्य के लिए योजना, ठीक है। यहाँ देखिए ये आयोग है, बालिका शिक्षा को उन्नत करने का प्रयास किया गया था। पहला आयोग इसमें राधा कृष्ण आयोग। उसके बाद देखिए आप इस तरीके से लिखेंगे कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा परिषद का निर्माण किया गया, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन कब आया, क्या बेनिफिट थे, ये इसके बाद में इसका निष्कर्ष है। जैसा कि विवेकानंद जी कहते हैं, महिलाओं की दशा में सुधार ना होने तक विश्व का कल्याण उसी प्रकार संभव है जिस प्रकार पक्षी का एक पंख से उड़ना। इस तरीके से आपका ये जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, जो कि आपका महिला सशक्तिकरण का है।
ठीक है, महिला समाख्या, इसके आपने गुण दोष देखे अभी, कौन कौन से आयोग बनाए गए हैं, किस आयोग में, और महिलाओं की शिक्षा पर विशेष तौर से बल दिया गया है कि प्राचीन काल में, ठीक है, और आपकी वर्तमान काल में कैसी शिक्षा व्यवस्था है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।